क्यों कर रहे हैं हम ऐसा? क्योंकि अगर हम ऐसे 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 करेंगे तो क्या होगा, जो स्टेन है वो बाकी जगहों पे फैल सकता है। इसीलिए जब हम रिएजेंट से भी, चाहे किसी भी चीज़ से साफ कर रहे हैं स्टेन को, तो हम ऐसे धीरे धीरे और भी सर्कुलर मोशन इनवर्ड्स की तरफ, अंदर की तरफ मूव करेंगे। अगर हम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो वो और प्रेस करेगा फैब्रिक के स्टेन को और वो बाहर की तरफ और फैलने लगेगा। जब हम ऐसे आ रहे हैं तो वो इस साइड फैल भी सकता है, पर अगर हम बाहर की तरफ से ऐसे आ रहे हैं तो वो अंदर की तरफ ही रोटेट होगा स्टेन, और मतलब वो फैलेगा नहीं जो भी हम रिएजेंट उस पर लगाएंगे, और चांसेस कम होंगे कि स्टेन जो है वो स्प्रेड हो जाए इस बात की। हाय, दिस इज प्रियंका, यू आर वॉचिंग इट सिंपल, और ये वीडियो क्लास 12th होम साइंस के लिए है। सो लेट्स स्टार्ट विद यूनिट 4, चैप्टर 14, केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ क्लोथ्स। ओके, तो सबसे पहली चीज़ पे आते हैं कि हम कपड़ों की केयर करते ही क्यों हैं। जितने अच्छे से हम कपड़ों को संभाल के रखेंगे, उनकी केयर करेंगे, उन्हें सही से वॉश करेंगे, स्टेन्स हटा देंगे, उतना ही लंबा वो कपड़ा चलेगा। इसीलिए हम कपड़ों की केयर करते हैं ताकि वो लंबे समय तक चल सके। ओके, क्लोथ्स के केयर करने के मेन चार स्टेप होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है मेंडिंग, दैट इज कि अगर कोई भी कपड़ा फटा हुआ है तो तुम उसे डायरेक्ट धोने में तो नहीं दे दोगे, वो धुलने के बाद हो सकता है और ज़्यादा फट जाए। इससे सबसे पहले हम क्या करेंगे, जहाँ से भी वो कपड़ा फटा हुआ है हम उसे ही स्टिचिंग करेंगे। सेकेंड स्टेप आता है, उस पर अगर कोई भी कपड़े पे स्टेन्स लगे हुए हैं तो उन स्टेन्स को हम रिमूव करेंगे। थर्ड स्टेप आता है सोप या डिटर्जेंट से, जिससे भी हमें उसे कपड़े को क्लीन करना है उस कपड़े को हम और अच्छे से क्लीन कर देंगे। और फोर्थ स्टेप है हमारा स्टोरेज। स्टोरेज में भी ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि स्टोरेज में नैप्थलीन बॉल्स डाल दी ताकि इंसेक्ट ना आए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। डर्ट इज अ टर्म अप्लाइड टू ग्रीस, ग्राइम एंड डस्ट विच इज जैम्ड बिटवीन द फाइबर्स। सो डस्ट जो है, सपोज ये दो फाइबर्स हैं किसी कपड़े के, फैब्रिक के, सो इन फैब्रिक के बीच में ये डस्ट जो है, जो डर्ट है, वो जैम हो गई है। अगर तो ये लूज, दो तरीके की होती हैं, लूज डर्ट और एक होती है हमारी फिक्स डर्ट। अगर तो लूज डर्ट है तो हम अगर कपड़े को झाड़ेंगे या फिर शेक करेंगे तो लूज डर्ट अपने आप ही गिर जाएगी या हट जाएगी। पर अगर तो फिक्स डर्ट है, जैसे कि ग्रीस या थिंग्स लाइक दैट, तो वो किस चीज़ से रिमूव होंगी, एब्जॉर्बेंट से, सॉल्वेंट से या इमल्सिफाइंग एजेंट से। ओके, स्टेन का मतलब तो तुम्हें पता ही होगा, डिसकलराइजेशन ऑफ एनी फैब्रिक, जो दाग धब्बे लग जाते हैं स्टेन, जो डिफरेंट कलर्स के होते हैं, विच में आइदर बी एब्जॉर्ब्ड और हेल्ड केमिकली बिटवीन द फाइबर्स। नेक्स्ट है हमारा एड्स फॉर लॉन्ड्रिंग क्लोथ्स। ओके, तो पहले आता है ऑक्सिलरीज। ऑक्सिलरीज होती क्या है, ये वो चीज़ होती है जो कपड़े को गुड फिनिश देती है, जो फैब्रिक को चमका देती है एक तरीके से, जैसे कि ब्लीच हो गई, ब्लूज हो गए, एक्सेट्रा। ब्लू सबसे पहली चीज़ है हमारी। ब्लू का मतलब क्या होता है, ब्लू एक तरीके का केमिकल होता है जो वाइटनर की तरह यूज़ होता है। ओके, सो ऐसा तो होता नहीं है अगर हम कोई भी कपड़ा धुलने दें वो एक बार पानी से निकाल के लो भाई हो गया, कस्टमर को ऐसे ही पकड़ा देंगे, नहीं। उस कपड़े को काफ़ी बार उसकी अच्छे से धुलाई होती है, उसे काफ़ी बार रिंस किया जाता है, तो लास्ट रिंस से पहले ब्लू को लगाया जाता है वाइटनिंग के लिए। ओके, और ब्लू जो होता है वो पाउडर फॉर्म में भी आता है और लिक्विड फॉर्म में भी आता है। फिर सेकेंड ऑक्सिलरीज में आता है हमारा स्टिफनिंग एजेंट्स। जैसा कि नाम बता रहा है, स्टिफन करता है ये, मतलब एकदम कड़क बना देते हैं फैब्रिक को। जैसे कि क्या, स्टार्च को हम यूज़ करते हैं कॉटन के लिए और लिनन के लिए, और गम को हम यूज़ करते हैं सिल्क के लिए एंड रेयन के लिए। ओके, ये करते क्या है, ये क्रिस्प कर देते हैं, कड़क बना देते हैं और एक चमक सी ले आते हैं फैब्रिक के अंदर। स्टार्च क्लोथ्स जो होते हैं वो इतनी आसानी से डर्ट को कैच नहीं करते, डर्ट उनके अंदर जम नहीं पाती, और स्टार्च क्लोथ्स जो होते हैं बहुत ज़्यादा स्टिफ हो जाते हैं, इसीलिए हम स्टार्चिंग करते हैं। नेक्स्ट है हमारा केमिकल ब्लीचेस। तुम्हें पता है ब्लीच क्या करती है, एकदम ब्राइट कर देती है फैब्रिक को। ओके, सो ऑक्सीडाइजिंग होता है और एक रिड्यूसिंग ब्लीच होता है। ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच जो होती है वो ज़्यादा पावरफुल होती है दैन रिड्यूसिंग ब्लीच, एज द नेम सजेस्ट, रिड्यूसिंग। रिड्यूसिंग से ही तुम समझ सकते हो यहाँ पे ऑक्सीजन के बारे में बात हो रही है। तो ये रिड्यूसिंग ब्लीच करती क्या है, ये ऑक्सीजन को, सपोज करो ये स्टेन है तुम्हारा, इस स्टेन में से ऑक्सीजन, जैसे तुमने इस पे ये ब्लीच लगा दी स्टेन पे, तो स्टेन में से ये ब्लीच क्या करेगी, ऑक्सीजन को रिमूव करेगी,
तो इस ब्लीच को लगाते से क्या हुआ, इसमें से ऑक्सीजन जो है वो माइनस हो गई, इस स्टेन में से ऑक्सीजन रिमूव हो गई और कलरलेस हो गया। पर ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच में ऐसे नहीं होता। सपोज करो ये तुम्हारा स्टेन है और यहाँ तुम लाए ब्लीच और ब्लीच को तुमने स्टेन पे लगा दिया, तो अब क्या होगा, अब ब्लीच से ऑक्सीजन लिबरेट होगी ना कि स्टेन से। अब जिस जिसको नहीं याद है उसको याद दिला दूं कि सॉल्वेंट के अंदर हम सॉल्यूट को डिसॉल्व करते हैं ताकि एक सॉल्यूशन बन सके। जैसे कि अगर मेरे पास एक फ्लास्क है उसमें पानी है, तो पानी में मैं थोड़ा सा नमक डालूंगी, सॉल्यूट जो होता है वो कम क्वांटिटी में होता है और सॉल्वेंट जो होता है बड़ी क्वांटिटी में होता है। तो बहुत सारा पानी है, पानी में थोड़ा सा नमक डाला, उसे मिक्स किया, तो वो सॉल्यूशन बन गया। जस्ट फॉर एग्जाम्पल, जैसे यहाँ ग्रीस सॉल्वेंट्स लिखा हुआ है तो ये एक लिक्विड स्टेट में है यहाँ पे। जैसे कि अगर तुम्हारे कपड़े पे पेंट गिर गया है, तो अब उस पेंट को तुम किस चीज़ से रिमूव करोगे, उस पेंट को तुम रिमूव करोगे CCl4 से, कार्बन टेट्रा क्लोराइड से। उसी तरीके से यहाँ पे है ग्रीस एब्जॉर्बेंट्स। अगर ज़मीन पे तेल गिर गया है और मार्बल का फर्श है, अब मार्बल का फर्श तो तेल को एब्जॉर्ब करेगा नहीं, ना वो पंखे से 2 मिनट में तेल उड़ जाएगा, नहीं। तो अगर तुम्हारे मार्बल के फर्श पे बहुत सारा तेल गिर गया है, तो क्या करते हैं, कभी कभार कोई आटा डाल देता है, तो आटा डालने से क्या होगा, इतने सारे तेल पे आटा डालेंगे तो आटा जो है वो है ड्राई, और तेल जो है वो ऑफकोर्स थोड़ा लिक्विड स्टेट में वेट सा है, तो ड्राई जो आटा है वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेगा। ओके, तो एब्जॉर्बेंट्स जो है वो हमेशा हमारे ड्राई स्टेट में होंगे, पाउडरी स्टेट में होंगे, कभी भी एब्जॉर्बेंट्स जो है वो लिक्विड स्टेट में नहीं हो सकते। अगर आटा गीला होगा तो क्या वो तेल को एब्जॉर्ब कर पाएगा, नहीं कर पाएगा। इसीलिए ग्रीसी एब्जॉर्बेंट्स हमेशा ड्राई स्टेट में होते हैं, जैसे पाउडर हो गया या फिर तुम्हारा चौक हो गया। ओके, तो ये ड्राई चीज़ें अगर हम डालेंगे तेल के ऊपर तो वो तेल को एब्जॉर्ब कर लेंगी। उसी तरीके से ग्रीसी सॉल्वेंट्स, जैसा कि नाम बता रहे हैं, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड को यूज़ किया गया है पेंट्स को रिमूव करने के लिए। ओके, सो ये देखते हैं, तो ग्रीसी सॉल्वेंट्स में दिया हुआ है टर्पेंटीन, एसिटोन, वाइट पेट्रोल, मिथाइलेटेड स्पिरिट, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4, जो कि रिमूव कर सकता है पेंट्स को, पॉलिशेस को, ग्रीस। फिर यहाँ पे है ग्रीसी एब्जॉर्बेंट्स, जैसे कि मैंने बताया पाउडर, चौक, टैल्कम पाउडर यहाँ लिखा हुआ है। ओके, पाउडर्ड मैग्नीशिया, ये सब क्या एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ऑयल को एंड ग्रीसी स्टेन्स को। ओके, फिर नेक्स्ट आता है हमारा क्लिंजर्स या फिर इमल्सिफाइंग एजेंट्स। तो कोई भी ऐसा सब्सटेंस, कोई भी ऐसी चीज़ जो कि कपड़े से, फैब्रिक से डर्ट एंड ग्राइम को हटा दे, वो होता है हमारा क्लिंजिंग एजेंट। ओके, दो तरीके के होते हैं, सोप हो सकते हैं या डिटर्जेंट हो सकते हैं। इनके बारे में बात करने से पहले जान लेते हैं कि सोप और डिटर्जेंट बनते कैसे हैं। देखो, सोपी डिटर्जेंट या फिर अगर हम सोप कहें, उसको बनाने के प्रोसेस को हम कहते हैं सैपोनिफिकेशन। और इस प्रोसेस में होता क्या है, जो एल्कली होती है उसे हम फैट के साथ, या तो एनिमल या वेजिटेबल फैट के साथ रिएक्ट कराते हैं। तो हमें दो चीज़ें मिलती हैं, फैटी एसिड्स एंड ग्लिसरीन। उसके बाद फैटी एसिड्स को हम फिर से एल्कली से रिएक्ट कराते हैं, तो हमें मिल जाता है सोप, या फिर हम कह सकते हैं सोपी डिटर्जेंट। ओके, फिर आता है डिटर्जेंट कैसे बनता है। सबसे पहला स्टेप है, हम पेट्रोलियम से हाइड्रोकार्बन को डिराइव करेंगे, फिर उसको हम रिएक्ट कराएंगे कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड से, कॉन्क H2SO4 से, और फिर न्यूट्रलाइज करेंगे ऑर्गेनिक एसिड को विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिससे हमें क्या मिलेगा, सोडियम सॉल्ट्स, विच इज आर प्रोडक्ट दैट इज सिंथेटिक डिटर्जेंट। ओके, सोपलेस डिटर्जेंट या फिर सिंपली डिटर्जेंट्स को हम को सिंडेट भी कहते हैं। इनका pH जो होता है वो न्यूट्रल होता है, ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली और बायोडिग्रेडेबल बिल्कुल नहीं होते, और ये एक्सपेंसिव भी होते हैं। केमिकल कॉम्पोजिशन तुम खुद से कर लेना। ओके, प्रॉपर्टीज पे आते हैं, ये टोटल 8 प्रॉपर्टीज हैं। सबसे पहले तो यही है कि कोल्ड वाटर में सोप जो है वो अच्छे से डिजॉल्व नहीं हो पाता, पर डिटर्जेंट जो होता है वो कोल्ड हॉट वाटर, किसी भी वाटर में बड़े अच्छे से डिजॉल्व हो पाता है, चाहे वो हार्ड वाटर ही क्यों ना हो। ओके, फिर है, अगर सोप कपड़े पे लगा रह गया, दैट इज़ कपड़े को हमने अच्छे से नहीं धोया और सोप लगा रह गया, तो उससे जो कपड़े का फैब्रिक है, जो फाइबर्स है वो वीक हो जाएंगे, जो फैब्रिक है बेसिकली, जो कपड़ा है वो वीक हो जाएगा तुम्हारा। बट अगर डिटर्जेंट कपड़े पे लगा रह गया तो कपड़ा वीक नहीं होगा।
क्लॉथ्स जो होते हैं, जो कपड़े होते हैं सोप से धोने के बाद डल हो जाते हैं और ग्रे हो जाते हैं, पर डिटर्जेंट से अगर हम धोएं तो वो डल और ग्रे नहीं होते। क्यों? क्योंकि उनमें ब्लीच ऑलरेडी प्रेजेंट होती है, और ब्लीच तुम्हें पता है क्या करती है, वो ब्राइटनेस ले आती है कपड़े में, तो वो कभी डल और ग्रे हो ही नहीं सकते डिटर्जेंट के केस में। फिर आ जाते हैं सोप्स जो हैं, उनमें कोई परफ्यूम नहीं होती। तो अगर तुम साबुन से कपड़े धो रहे हो और गर्मियों का मौसम था और तुम काफ़ी खेलकूद करके आए हो, तो तुम्हारे हो सकता है फिर भी तुम्हारे कपड़ों से अभी भी थोड़ी सी स्टिंकिंग स्मेल आ रही हो। वैसे तो ऑलमोस्ट चली जाती है, बट डिटर्जेंट के केस में परफ्यूम डली हुई होती है डिटर्जेंट में, तो जो तुम्हारे कपड़े हैं उनमें से भी अच्छी अच्छी खुशबू सी आएगी। बट सोप, कुछ सोप्स बहुत ही घटिया क्वालिटी के होते हैं, उनमें से तो बिल्कुल ही अच्छे से साफ नहीं कर पाएंगे, और हो सकता है उनमें से मतलब ओरिजिनल जो स्वेटिंग की स्मेल है वो भी ना जाए। कुछ सोप्स में से जा सकती है वो स्वेटिंग की स्मेल, बट यहाँ पे हम बेसिकली मेन परफ्यूम्स के बारे में बात कर रहे हैं कि जो एडिशनल स्मेल है, जैसे कि परफ्यूम से जो अच्छी स्मेल एक हम ला सकते हैं वो वाली स्मेल के बारे में बात कर रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हार्ड वाटर के बारे में। सोप जो है वो इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स बनाता है हार्ड वाटर के साथ, मतलब जो पानी में डिजॉल्व नहीं हो सकते। जो पानी में चीज़ें डिजॉल्व नहीं हो सकती वो ड्रेन्स में जाके क्या करेंगी, ड्रेन को क्लॉग कर देंगी सोप के केस में। बट डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर के साथ ऐसे कोई भी इनसॉल्यूबल कंपाउंड्स नहीं बनाता, इसीलिए जो ड्रेन्स हैं वो ब्लॉक नहीं होंगे। कंबाइंस विद सोप जो है वो कंबाइन करता है मैग्नीशियम और कैल्शियम सॉल्ट के साथ हार्ड वाटर के, सो इसीलिए कुछ सोप जो होता है वो वेस्ट हो जाता है, बट डिटर्जेंट जो होता है वो कंबाइन नहीं करता कैल्शियम और मैग्नीशियम के साथ हार्ड वाटर के सॉल्ट के साथ, तो इसीलिए जो डिटर्जेंट है वो वेस्ट नहीं होता। इन शॉर्ट, सोप जो है हार्ड वाटर के साथ अच्छे से रिएक्ट नहीं कर पाता, जबकि डिटर्जेंट जो है हार्ड वाटर के साथ भी अच्छे से काम करता रहता है। और कन्फ्यूज मत हो जाना, सिंडेट्स जो है वो डिटर्जेंट्स का ही दूसरा नाम है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है सोप्स में कि वो इजीली पेनिट्रेट नहीं कर पाता फैब्रिक के अंदर, और इस वजह से वो ग्रीस और डर्ट को अच्छे से रिमूव नहीं कर पाता, जबकि जो डिटर्जेंट है वो लोअर कर देगा सरफेस टेंशन को और पेनिट्रेट कर जाएगा फैब्रिक के अंदर, और अच्छे से डस्ट और डर्ट और ग्रीस जो भी है उसे निकाल देगा। फिर एक ये पॉइंट रह गया कि क्लोथ्स जो हैं वो स्टिफ और डल और ग्रे भी हो जाते हैं, क्योंकि सोप जो है वो डिपॉजिट लीव करता है फैब्रिक पे, जबकि डिटर्जेंट फैब्रिक पे कोई भी डिपॉजिट लीव नहीं करता। पहले डिटर्जेंट का देख लेते हैं फिर सोप पे आएंगे। क्लिनजिंग एक्शन ऑफ डिटर्जेंट। डिटर्जेंट के दो पार्ट्स होते हैं, एक हेड होता है और एक टेल होती है। हेड जो होता है वो होता है हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक मतलब कि जो पानी की तरफ अट्रैक्ट होगा, और टेल जो होती है वो होती है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रो मतलब पानी और फोबिक मतलब फोबिया, मतलब पानी का फोबिया है टेल को, तो टेल जो है वो किसकी तरफ अट्रैक्ट होगी, टूवर्ड्स डस्ट डर्ट और वो सारी चीज़ें, और हेड जो है वो अट्रैक्ट होगा टूवर्ड्स वाटर। ओके, पानी की एक प्रॉपर्टी होती है कॉल्ड सरफेस टेंशन। सपोज करो तुमने कपड़ा, एक कपड़े पे कोई स्टेन्स लगे हुए हैं और उस पर डस्ट डर्ट और सारी चीज़ें हैं, तुमने उसे पानी में डिप कर दिया। अब पानी की प्रॉपर्टी है सरफेस टेंशन, जिसकी वजह से जो डर्ट है वो पानी से निकल नहीं पाएगी। जो स्माइलीज बने हुए हैं ये डर्ट हैं, सो ये पानी से अपने आप तो निकलेंगे नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम डिटर्जेंट डाल देंगे पानी में। जैसे ही हमने डिटर्जेंट डाला पानी में और एक बार घुमा दिया, तो उससे क्या हुआ, पानी का सरफेस टेंशन ब्रेक हो गया। अब धीरे धीरे जब डिटर्जेंट फैब्रिक की तरफ बढ़ेगा, तब होगा क्या, जो फैब्रिक है और जो डर्ट है, सपोज करो ये तुम्हारी कोई भी किसी भी चीज़ की डर्ट है, बहुत ही टाइनी पार्टिकल है ये डर्ट का, ठीक है, और ये तुम्हारा फैब्रिक है, बहुत ही जूम्ड इमेज दिखाई हुई है तुम्हें, तो यहाँ पे जो स्पेस है इन दोनों के बीच में वो बहुत ही छोटी स्पेस है। तो ये जो डिटर्जेंट के बारे में अभी हमने पढ़ा कि डिटर्जेंट का हेड होता है और टेल होता है, ये वाली चीज़ जो है ना ये इन दोनों के बीच में आ जाएगी। दैट इज डिटर्जेंट का जो एक छोटा सा मॉलिक्यूल है वो डर्ट और फैब्रिक के बीच में पेनिट्रेट करेगा, यहाँ पे आ जाएगा वो हेड और ये टेल, यहाँ पे आ गया, पेनिट्रेट हो गया डर्ट और फैब्रिक के बीच में, जहाँ पे पानी अकेले एंटर नहीं कर सकता, वहाँ पे ये डिटर्जेंट का मॉलिक्यूल आ गया इन दोनों के बीच में। अब ये करेगा क्या मॉलिक्यूल,
ये मॉलिक्यूल जो है डिटर्जेंट का, ये यहाँ इसीलिए आया है ताकि ये डर्ट को फैब्रिक से रिमूव कर सके। और ऊपर से जब हम मैकेनिकल एक्शन करेंगे, जब हम स्क्रबिंग करेंगे, कपड़े को ऐसे स्क्रब नहीं करते, स्क्रबिंग से क्या होगा, इस डिटर्जेंट के मॉलिक्यूल की हेल्प हो जाएगी और ये डर्ट का जो पार्टिकल है ये एकदम कम्प्लीटली डिसलॉक्ड हो जाएगा, हट जाएगा फैब्रिक से। एक बार डर्ट का पार्टिकल जो है वो फैब्रिक से हट गया तो वो पानी में ऊपर जाके तैरेगा, और फिर ताकि ये जो डर्ट है ये दोबारा से हमारे फैब्रिक पे ना आ जाए, तो डिटर्जेंट मॉलिक्यूल्स जो हैं वो उस डर्ट को सराउंड कर लेंगे और उसे दोबारा से फैब्रिक में घुसने नहीं देंगे। तुम्हें पता है कि ये हेड है और ये टेल है, और ये टेल जो है ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि ये जो टेल है डिटर्जेंट मॉलिक्यूल की, ये अट्रैक्ट होती है टूवर्ड्स डर्ट एंड डस्ट, तो ये टेल पे जाके स्टक हो जाएंगे काइंड ऑफ, इन द सेंस कि जो डर्ट है वो हैंग करेगी ऑन द टेल ऑफ डिटर्जेंट मॉलिक्यूल। ओके, और फिर फाइनली जब हम फैब्रिक को रिंस करेंगे, दैट इज सिर्फ फैब्रिक को लेंगे एक दो बार पानी से ऊपर नीचे करके निकालेंगे, तो इस मूवमेंट से क्या होगा, जब हम फैब्रिक को ऊपर नीचे पानी से निकालेंगे तो फाइनली सारी डर्ट जो है, डस्ट डर्ट जो भी है वो रिमूव हो जाएगी। ओके, फिर आ जाते हैं क्लिंजिंग एक्शन ऑफ सोप। बिल्कुल सेम तरीके से सोप के पास भी एक हाइड्रोफिलिक और एक हाइड्रोफोबिक पार्ट होता है, सोप के मॉलिक्यूल के पास भी, और ये भी ऑलमोस्ट सेम प्रोसेस है, तो ये तुम खुद कर लेना। ओके, ये दोनों ज़रूर करके जाना, ये जो क्लिंजिंग एक्शन है डिटर्जेंट और सोप का बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल मत छोड़ना। ओके ओके, तो यूटिलिटी ऑफ सोप एंड डिटर्जेंट ऑलमोस्ट आधे से ज़्यादा हम पढ़ चुके हैं, दो पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है उनके बारे में हम अभी बात करेंगे, बट पहले थोड़ा बेसिक से बात कर लें। तुम्हें पता है कि जो सोप है वो हार्ड वाटर में अच्छे से परफॉर्म नहीं करता है, सॉफ्ट वाटर में ज़्यादा अच्छे से परफॉर्म करता है, डिटर्जेंट जैसे हार्ड वाटर, सॉफ्ट वाटर, वार्म वाटर, कोल्ड वाटर कुछ भी दे दो, डिटर्जेंट अच्छे से काम करेगा। लिक्विड डिटर्जेंट यूज़ कर सकते हैं जो सेफ़ होंगे ऑन वूलन्स, रेयॉन, सिल्क अलॉन्ग विद फैब्रिक सॉफ्टनर्स। ओके, और तुम्हें ये भी पता है कि सोप पे अगर स्कम जमी रह जाए, जो झाग है और डिपॉजिट रह जाए क्लॉथ पे, तो जो क्लॉथ है वो ग्रेश और स्टिफ हो जाएगा, और सोप से कपड़े साफ़ करने के बाद डल हो जाते हैं, बट डिटर्जेंट से कपड़े साफ़ करने के बाद डल नहीं होते हैं क्योंकि उनमें ब्लीच होती है, और ब्लीच जो होती है वो ब्राइटनिंग ले आती है कपड़े के अंदर। एक सॉल्यूशन है सोप, तुम्हें पता है कि हार्ड वाटर के साथ सोप अच्छे से रिएक्ट नहीं करता है, तो यहाँ पे एक इस चीज़ का सॉल्यूशन दे रखा है, ये करके जाना, कि इन केस ऑफ हार्ड वाटर वॉशिंग सोडा दैट इज सोडियम कार्बोनेट और बोरेक्स सोडियम टेट्राबोरेट को यूज़ किया जा सकता है टू रिमूव द मेटल आयन्स लाइक कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड आयरन। फिर एक ये पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि सोप क्योंकि नेचुरल सोर्सेज से बना हुआ है इसलिए वो बायोडिग्रेडेबल है, जबकि डिटर्जेंट जो है वो हमारी एक्वेटिक लाइफ को हार्म कर रहा है एंड प्रमोट करता है ग्रोथ ऑफ एल्गे, तो ये वाला पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, अभी कर लेना। ये बात हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में ही करी थी कि किसी भी कपड़े को वॉश करके स्टोर करने से पहले सबसे पहले होती है मेंडिंग, अगर कपड़ा कहीं से फटा हुआ है तो उसे सिल दो, सेकेंड होता है स्टेन रिमूवल, फिर आता है हमारा कपड़े को धोना वॉशिंग, फिर सबसे लास्ट स्टेप होता है उसको स्टोर करके रखना। तो यहाँ पे भी वही लॉजिक लगेगा कि कपड़े को धोने से पहले तुम्हें स्टेन को रिमूव करना पड़ेगा। पांच तरीके के मेन स्टेन्स होते हैं, जैसे कि एनिमल ग्रीस, डाई, किसी कलर या पेंट का लग गया, मिनरल, वेजिटेबल। कुछ स्टेन्स आइडेंटिफाई किए जा सकते हैं, कुछ नहीं किए जा सकते, जो नहीं किए जा सकते उनके उनका स्टेन रिमूवल कैसे करना है वो भी हम पढ़ेंगे, बट मोस्टली कलर, स्मेल और फील से करे जा सकते हैं, जैसे कि अगर चाय या कॉफ़ी का निशान है तो वो ब्राउनिश कलर का होगा, करी या पिकल कुछ ऐसी चीज़ों का निशान है तो वो येलो कलर का होगा, और उनकी एक अजीब सी स्मेल भी होगी, डिस्टिंक्ट स्मेल होगी। अब आ जाते हैं स्टेन को रिमूव करने के डिफरेंट टाइप के मेथड्स कौन से होते हैं। पहला तो होता है तुम्हारा डिपिंग मेथड। डिपिंग मेथड में क्या करते हैं, जो स्टेन्ड क्लॉथ है उसे हम सॉल्वेंट के अंदर डिप करेंगे, उसके बाद उसे स्क्रब करेंगे ऐसे ऐसे हाथ से, फिर पानी में ऐसे रिंस कर देंगे। फिर सेकेंड है हमारा स्पॉन्जिंग मेथड। ये थोड़ा ध्यान से समझना कि स्टेन्ड पोर्शन को प्लेस किया हुआ है फेस डाउन ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर एंड द रिएजेंट इज अप्लाइड इन सर्कुलर डायरेक्शन। तो ये पेंसिल का एंड जो है, सपोज कर लो ये रिएजेंट है, और ये वाला पेज जो है ये ब्लॉटिंग पेपर है,
ये जो है ये सपोज करो ये स्टेन है, मेरी कॉफी गिर गई यहाँ पे, और ये वाला पेज जो है ये ब्लॉटिंग पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखा है कि फेस डाउन जो स्टेन पोर्शन है इट इज प्लेस्ड फेस डाउन ऑन अ ब्लॉटिंग पेपर। तो ये पूरा ब्लॉटिंग पेपर है वो कॉफी का स्टेन है, तो इसको फेस डाउनवर्ड हम कैसे रखेंगे, ऐसे ब्लॉटिंग पेपर पे रखा, मतलब स्टेन की जो बैक साइड है उससे तुम रिएजेंट सर्कुलर मोशंस में ऐसे 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 अप्लाई करोगे। आई होप यू कैन सी दिस। ऐसे 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 तुम सर्कुलर मोशन पे स्टेन की बैक साइड पे अप्लाई करोगे। तो ब्लॉटिंग पेपर ये है, स्टेन ये रहा, और ये स्टेन की बैक साइड। फिर थर्ड मेथड है हमारा ड्रॉपिंग मेथड। बाउल लिया हमने एक, फिर क्या किया, फिर हमने स्टेन्ड क्लॉथ को स्ट्रेच करके उस बाउल के ऊपर लगा दिया। फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप, इसके हाथ में तुम देख सकते हो एक ड्रॉपर है, फिर ड्रॉप बाय ड्रॉप इस स्टेन्ड फैब्रिक पे रिएजेंट डल रहा है ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द फैब्रिक। ओके, फिर फोर्थ है स्टीमिंग मेथड। स्टीम ऑफ कोर्स बॉइलिंग वाटर से ही निकलेगी, सो स्टेन एरिया जो है उसे एक्सपोज किया है, कहाँ पे, जो स्टीम, जहाँ से स्टीम आ रही है फ्रॉम द बॉइलिंग वाटर, स्टेन एरिया इज एक्सपोज टू द स्टीम फ्रॉम बॉइलिंग वाटर। फिर अब हम बात करेंगे बेसिक रूल्स फॉर स्टेन रिमूवल उस केस में, जिस केस में हमें पता है कि स्टेन कौन सा है, जब नोन स्टेन है, हमें स्टेन के बारे में पता है। तो सबसे पहले तो बात करते हैं स्टेन को रिमूव कब करना चाहिए, तब जब वो फ्रेशली लगा हुआ है या काफ़ी टाइम बाद। ओल्ड स्टेन्स को रिमूव करना बहुत डिफ़िकल्ट होता है, इसीलिए जैसे ही स्टेन लगे कपड़े पे, चाहे कॉफ़ी गिर गई चाय गिर गई, मेक श्योर कि तुम बहुत जल्दी ही, मतलब उसी टाइम तुम उस स्टेन को रिमूव कर लो जब वो फ्रेश है, ताज़ा ताज़ा गीला है। जैसे कॉफ़ी गिर गई तो वो गीला है, अगर वो सूख गया तो उसे और रिमूव करने में और टाइम लगेगा। ओके, नेचर ऑफ स्टेन तुम्हें पता होना चाहिए, तुम्हें ये भी पता होना चाहिए कि फैब्रिक कौन सा है, क्योंकि डिफरेंट टाइप के केमिकल्स जो हैं डिफरेंट फैब्रिक पे डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करते हैं। जो भी केमिकल है, सबसे पहले तो तुम उस केमिकल को छोटे से पोर्शन पे टेस्ट करके देखोगे कि कहीं इसका कुछ अलग सा या कुछ ख़राब रिएक्शन तो नहीं है उस फैब्रिक के ऊपर, जैसे कि हिडन कॉर्नर पे या सीम्स अलाउंस पे तुम उसको थोड़ा सा केमिकल को फैब्रिक पे लगा के देख सकते हो कि कहीं पूरा फैब्रिक तो ख़राब नहीं हो जाएगा ये केमिकल लगाने से। फिर नेक्स्ट चीज़ है कि केमिकल जो है वो एकदम स्टेन के ऊपर नहीं लगा देते, वो स्टेन के बैक साइड पे लगाते हैं, जहाँ पे स्टेन लगा है उसके बैक साइड पे। ओके, फिर नेक्स्ट चीज़ है, स्टेन रिमूवल का प्रोसेस जो होता है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स होता है। ऐसे नहीं करना है कि ब्लीच लगा दिया फिर पानी डाल रहे हैं फिर माइल्ड उस पर केमिकल डाल रहे हैं, ये हरकत नहीं करनी है। सबसे पहले सिंपल चीज़ डालनी है वाटर, अगर पानी से नहीं साफ होता है तो डिटर्जेंट, फिर माइल्ड केमिकल, और फिर लास्ट में हम आएंगे ब्लीच पे, सिंपल टू कॉम्प्लेक्स। सेवरल माइल्ड एप्लीकेशंस ऑफ अ रिएजेंट शुड बी प्रेफर्ड ओवर स्ट्रॉन्ग एप्लीकेशन। ये नहीं बहुत सारी ब्लीच एक साथ डाल दी है, हम ऐसे भी कर सकते हैं, थोड़ी सी ब्लीच डाली फिर साफ करके देखा, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी, फिर थोड़ी सी, तो इसको हम ज़्यादा प्रेफर करेंगे कि बहुत धीरे धीरे थोड़ी थोड़ी ब्लीच डाली, रादर देन एक बारी में पूरी इतनी सारी ब्लीच डाल दी कपड़े पे और पूरा कपड़ा ही ख़राब हो गया। डिल्यूटेड केमिकल्स, मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग केमिकल्स हम यूज़ नहीं करेंगे उन फैब्रिक्स पे जो डेलिकेट हैं, जैसे कि सिल्क एंड वूल। फिर ये पॉइंट है कि तुम्हें कौन सा केमिकल यूज़ करना चाहिए ब्लीचिंग के लिए, तो वूल और सिल्क के लिए तो तुम्हें डाइल्यूटेड हाइड्रोजन परऑक्साइड यूज़ करना चाहिए, और रेयन के लिए सोडियम परबोरेट। स्टेन को अब तुम रिमूव कैसे करोगे, मतलब जो तुम्हारा चाहे रिएजेंट भी हो गया उसको तुम कैसे अप्लाई करोगे। द स्टेन शुड बी वर्क इन सर्कुलर मूवमेंट, और वो भी बाहर से लेके फिर अंदर, जैसे कि सपोज करो इस पे रिएजेंट लगा हुआ है तो वो स्टेन यहाँ पे सर्कुलर में लगा हुआ है, तो बाहर से पहले लेके जाएंगे और फिर ऐसे धीरे 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 अंदर तक ऐसे सर्कुलर मोशन में आएंगे, जो रिएजेंट लगाने वाली बात हो गई। क्यों कर रहे हैं हम ऐसा, क्योंकि अगर हम ऐसे 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 करेंगे तो क्या होगा, जो स्टेन है वो बाकी जगहों पे फैल सकता है, इसीलिए जब हम रिएजेंट से भी चाहे किसी भी चीज़ से साफ कर रहे हैं स्टेन को, तो हम ऐसे धीरे धीरे और भी सर्कुलर मोशन इनवर्ड्स की तरफ, अंदर की तरफ मूव करेंगे। अगर हम बाहर की तरफ मूव करेंगे तो वो और प्रेस करेगा फैब्रिक के स्टेन को और वो बाहर की तरफ और फैलने लगेगा। जब हम ऐसे आ रहे हैं तो वो इस साइड फैल भी सकता है, पर अगर हम बाहर की तरफ से ऐसे आ रहे हैं
तो वो अंदर की तरफ ही रोटेट होगा स्टेन, और मतलब वो फैलेगा नहीं जो भी हम रिएजेंट उस पर लगाएंगे, और चांसेस कम होंगे कि स्टेन जो है वो स्प्रेड हो जाए इस बात के। फिर नेक्स्ट पॉइंट है कि एसिड रिएजेंट्स को न्यूट्रलाइज करना चाहिए विद एल्कलाइन रिंस, और एल्कलाइन रिएजेंट्स को न्यूट्रलाइज करना चाहिए विद एसिडिक रिंस। ट्रेसेस ऑफ केमिकल, जो भी तुमने केमिकल लगाया, चाहे वो ब्लीच लगाई हो और जैसे ही तुम्हारा स्टेन साफ हो गया है, या कोई भी तरीके का केमिकल लगाया स्टेन पे और स्टेन साफ होने के बाद ही तुरंत ही तुम उस केमिकल को रिमूव कर दो, नहीं तो उस केमिकल के उस फैब्रिक पे साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं अगर ज़्यादा देर लगा रह गया तो। फिर यहाँ पे कुछ और स्टेन्स के बारे में दिया हुआ है, जैसे कि अगर टी और कॉफ़ी का स्टेन है तो तुम्हें पता है वो कैसे रिमूव करना है, हॉट बॉइलिंग वाटर से एंड बोरेक्स से। वॉल पॉइंट लिपस्टिक एंड ग्रीसी स्टेन हैं तो तुम ग्रीसी सॉल्वेंट से रिमूव कर सकते हो, जैसे कि केरोसिन ऑयल या पेट्रोल। करी के स्टेन अगर लग गए हैं तो वो हॉट सोपी वाटर से रिमूव कर सकते हो, और फिर उसे सनलाइट में रख दो। सनलाइट में क्यों रख रहे हैं, क्योंकि सनलाइट इज़ अ नेचुरल ब्लीच। और अगर फिर भी करी के स्टेन में ऑयल रहता है तो तुम्हें पता है ऑयल को क्या चीज़ एब्जॉर्ब कर सकती है, ग्रीस एब्जॉर्बेंट, जैसे कि टैल्कम पाउडर हो गया, चॉक पाउडर हो गया, वो सब। अब तुमने स्टेन जो है वो ऑयली हो रखा है करी का, मतलब तुमने सबसे पहले क्या किया, हॉट सोपी वाटर में डाला, फिर तुमने सनलाइट में रख दिया, क्योंकि सनलाइट जो है नेचुरल ब्लीचिंग एजेंट है, सो उसमें वो हुआ ब्लीच। फिर उसमें करी के स्टेन में ऑयली सा रह गया, तो तुमने कहा ऑयली है तो चलो इसमें टैल्कम पाउडर डाल देते हैं। टैल्कम पाउडर डालने के बाद उस टैल्कम पाउडर ने उस ऑयल को एब्जॉर्ब कर लिया। अब तुम क्या करोगे, वो जो टैल्कम पाउडर है उसे ब्रश ऑफ कर दोगे, और फिर इस कपड़े को आयरन करोगे बिटवीन टू शीट्स ऑफ न्यूज़पेपर। ओके, ब्लड का अगर स्टेन है तो वो कोल्ड वाटर से रिमूव किया जा सकता है, अगर फिर भी स्टेन रिमूव नहीं होता है तो तुम अमोनिया यूज़ कर सकते हो। अब आ जाते हैं अननोन स्ट्रेन रिमूवल पे। पहले ही बता दूं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी बार आ चुका है अननोन स्ट्रेन रिमूवल एग्ज़ाम में, और इस बार भी आ सकता है, तो ये ज़रूर करके जाना, बिल्कुल मत छोड़ना। तो अननोन स्ट्रेन को कैसे रिमूव करेंगे, पहले तो उसे सोक करेंगे, जो फैब्रिक है जिस पे स्टेन लगा हुआ है उसे सोक करेंगे प्लेन कोल्ड वाटर में, फिर उस स्टेन को स्टोक करेंगे, अगर फिर भी कुछ नहीं हुआ तो उसे वार्म सोपी वाटर में, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो सनलाइट में रख देंगे, क्योंकि सनलाइट जो है वो एक नेचुरल ब्लीच की तरह काम करता है, तो सनलाइट में वो ब्लीच हो जाएगा। अगर कुछ फिर भी नहीं हुआ, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में डाइल्यूटेड एल्कलाइन सॉल्यूशन में, फिर कुछ नहीं हुआ डाइल्यूटेड एसिड में, फिर भी कुछ नहीं हुआ ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच में, फिर भी कुछ नहीं हुआ तो रिड्यूसिंग ब्लीच में, और इन सब के बाद भी कुछ नहीं हुआ तो हम फोर्थ से लेके फिफ्थ सिक्स सेवन तक ये साइकिल रिपीट करेंगे, मतलब इसी प्रोसेस में। फिर हम रिड्यूसिंग ब्लीच तक तुमने कर लिया था, कुछ नहीं हुआ, तो हम यही चार स्टेप दोबारा इसी प्रोसीजर में फॉलो करेंगे, डिल्यूटेड एल्कलाइन, डिल्यूटेड एसिड, ऑक्सीडाइजिंग ब्लीच और रिड्यूसिंग ब्लीच, बस इनकी केमिकल कॉन्सेंट्रेशन थोड़ी बढ़ा के यूज़ करेंगे। फिर नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्टोरिंग ऑफ द गारमेंट। गारमेंट को सही तरीके से स्टोर करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने उसे सही से स्टोर नहीं किया तो इंसेक्ट्स जो है वो आके, जैसे मॉथ आ सकती है, मॉथ का मतलब है वो इंसेक्ट आ सकता है कपड़े पे, अगर बहुत ज़्यादा स्टेन्स लगे हुए हैं तो मॉथ उसकी तरफ अट्रैक्ट हो सकती है। सो जनरल रूल्स फॉर स्टोरिंग क्लोथ्स क्या होते हैं, सबसे पहले तो यही है कि क्लोथ्स जो भी तुम्हारे कपड़े हैं उन्हें अकॉर्डिंग टू फाइबर्स तुम्हें सॉर्ट आउट करके रखना है, और उसी अकॉर्डिंगली तुम्हें स्टोर करना चाहिए। पहली बात जो हमने सब चैप्टर की स्टार्टिंग में पढ़ी थी वो था मेंडिंग ऑफ द क्लोथ्स, दैट इज़ अगर कोई भी कपड़ा फटा हुआ है तो तुम उसे एज इट इज़ नहीं रख दोगे, सबसे पहले तुम मेंडिंग करोगे, कपड़े को सही से सिलोगे जहाँ से भी ज़रूरत है, उसका स्टेन रिमूवल करोगे, फिर वॉशिंग होता है, और सबसे लास्ट स्टेप होता है स्टोरिंग। तो इसीलिए अगर कहीं पर भी कपड़ा कहीं से फटा वटा हुआ है तो उसको मेंड करोगे, सिल विल दोगे, पिंस बकल्स ये सब निकाल के रखोगे, पॉकेट शुड बी इन्वर्टेड, और तुम्हें चेक करना चाहिए कि कोई फूड पार्टिकल तो नहीं रह गया है। स्टेन्स जो होते हैं उन्हें इमिजिएटली रिमूव कर देना चाहिए, क्योंकि वो मॉथ को अट्रैक्ट करते हैं और उसकी वजह से फैब्रिक जो है वो डैमेज हो सकता है। क्लोथ्स जो होते हैं वो एयर्ड एंड ब्रश्ड होने चाहिए, डर्टी क्लोथ्स को तुम्हें सही से साफ करना चाहिए, मतलब मेन कॉमन चीज़ें ही हैं बट याद ज़रूर रखना है सारी चीज़ें। बटन्स और जिप जो हैं वो क्लोज्ड होनी चाहिए, एयर टाइट बॉक्सेस में तुम्हें सारे कपड़े स्टोर करने चाहिए, नहीं तो अगर एयर आएगी अंदर तो उसकी वजह से ग्रब्स एंड मॉथ्स अट्रैक्ट हो सकती हैं टूवर्ड्स द क्लोथ्स।
कबर्ड्स एंड बॉक्सेस जिनमें तुमने अपने कपड़े स्टोर किए हुए हैं उनमें तुम्हें इंसेक्ट रिपेलेंट स्प्रे कर देने चाहिए ताकि वहाँ पे कोई इंसेक्ट्स ना आए और तुम्हारे कपड़े ख़राब ना हो, जैसे कि इंसेक्ट्स, सिल्वर फिश और कॉकरोचेज एक्सेट्रा, नैप्थलीन बॉल्स और ये सब तुम रख सकते हो कबर्ड्स में, ताकि वो भी इंसेक्ट रिपेलेंट की तरह काम करता है। अगर तुमसे पूछा जाए कि बेस्ट इंसेक्ट रिपेलेंट कौन सी है तो वो तुम क्या बताओगे, वो है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। ओके, तो ये तो इम्पॉर्टेंट है, साथ में ये भी इम्पॉर्टेंट है, इंसेक्टिसाइड अगेंस्ट सिल्वर फिश, ऐसे दो इंसेक्टिसाइड्स बताओ, सो पायरेथियम एंड सोडियम फ्लोराइड, ठीक है, ये भी करके जाना। फिर ये भी पूछा जा सकता है कि ऐसे कौन से मेथड से ग्रब्स और मॉथ्स को डिस्ट्रॉय किया जा सकता है, दैट इज़ थ्रू द मेथड फ्यूमिगेशन, जो कि प्रोफेशनल्स को ही करना चाहिए क्योंकि उसमें एक पॉइजनस गैस इन्वॉल्व होती है, दैट इज हाइड्रोसाइनिक एसिड। तो अब हम आ जाते हैं टिप्स फॉर स्टोरिंग पे, डिफरेंट टाइप के कपड़ों को किस तरीके से स्टोर करना चाहिए। तो सबसे पहला तो है हमारा कॉटन एंड रेयन। कॉटन एंड रेयन को मेन किन चीज़ों से खतरा है, दो चीज़ों से मेन खतरा है, सिल्वर फिश से और माइल्ड्यू से। तो ये दोनों ही चीज़ें कॉटन और रेयन पे अटैक करती हैं। कॉटन अगर बहुत हैवीली स्टार्च्ड है तो सिल्वर फिश उस पर जाके अटैक कर सकती है, मतलब वो प्रॉपर सिल्वर फिश नहीं होती है, तो मैंने ऐसे ही बना दी है, सो सिल्वर फिश उस पर जाके अटैक कर सकती है। सो इसीलिए कॉटन को डी स्टार्च करना बहुत ज़रूरी है। वो कैसे होगा, प्लेन वाटर में कॉटन क्लॉथ को डिप करके रखना पड़ेगा। रेयन जो है उसको भी सिल्वर फिश अटैक कर सकती है, सो इस रेयन के साथ हम क्या कर सकते हैं, नैप्थलीन बॉल्स रख सकते हैं या फिर फ्लेक्स रख सकते हैं रेयन के कपड़ों के साथ, ताकि सिल्वर फिश उस पर ना अटैक करें। कॉटन और रेयन को एक और चीज़ से खतरा है, जैसे मैंने बताया था माइल्ड्यू से, सो उसके लिए क्या करना चाहिए, बोथ कॉटन एंड रेयन को सुखा के रखना चाहिए, प्रॉपरली ड्राइड होने चाहिए, ये नहीं कि तुमने गीले रख दिए हैं, ओके, डैम्पनेस नहीं होनी चाहिए एकदम। फिर आता है लिनन। लिनन जैसे ही लाइट के साथ एक्सपोज होता है, मतलब लाइट जैसे ही लिनन पर पड़ती है वो येलोइश सा होने लगता है, सो इसीलिए लिनन के कपड़ों को ब्लू पेपर में रैप करके रखना चाहिए, और जो ब्लू पेपर की साइड ओपनिंग भी है उन्हें भी अच्छे से सील कर देना चाहिए, ताकि बिल्कुल भी लाइट एंटर ना कर हो पाए लिनन क्लॉथ में। और लिनन जो है मेक श्योर कि तुम उन्हें डार्क क्लॉजेट में रखो। फिर आते हैं वूलन्स पे। वूलन ज़्यादातर अटैक होते हैं बाय कार्पेट बीटल्स एंड मॉथ, सो इसीलिए उन्हें जिप्ड स्टोरेज बैग्स में रखना चाहिए, वूलन जो भी कोट्स और वो सब है उन हैंगर में हैंग करके रखना चाहिए, और नैप्थलीन बॉल्स भी रख लेनी चाहिए उनके साथ। न्यूज़पेपर हम इसीलिए यूज़ करते हैं वूलन्स को रखने के लिए, क्योंकि न्यूज़पेपर में जो इंक होती है ना वो इंक रिपेल करती है मॉथ को, सो अगर तुम न्यूज़पेपर बार बार प्रिंटेड जो है वो चेंज करते रहोगे, जो प्रिंट ऑफकोर्स न्यूज़पेपर तो इंक से ही प्रिंटेड होता है, सो वो मॉथ को रिपेल करेगा और उससे मॉथ नहीं आएगी एंड ग्रब्स भी। फिर इसमें और आगे लिखा हुआ है कि फूड स्टेन्स जो हैं, ऑफकोर्स अगर फूड स्टेन्स लगे हुए हैं तो उससे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ सकते हैं, इन द सेंस कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक कर सकते हैं ऑन द फूड स्टेन्स। नैप्थलीन बॉल्स या फ्लेक्स रखनी चाहिए लेयर्स के अंदर, ताकि वूलन्स में इंसेक्ट जो है वो ना आ पाए। सिल्क का कपड़ा एज के साथ साथ येलो होता जाता है, सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज नहीं करना चाहिए सिल्क को, और सिल्क को ज़्यादातर कारपेट बीटल्स अटैक करती हैं। स्टार्चिंग अगर हम करेंगे सिल्क की तो उससे क्या होगा, सिल्क में क्रैक्स आ जाएंगे उनके फोल्ड्स पे, सिल्क के कपड़े के फोल्ड पे, तो इसीलिए स्टार्चिंग भी बहुत ज़्यादा नहीं करनी चाहिए। पर्सपिरेशन से भी सिल्क बहुत ज़्यादा डैमेज हो सकता है, इसलिए ये ना हो इसलिए क्या करना चाहिए, सिल्क जो है वो प्रॉपरली एयर्ड होना चाहिए, और उसको एकदम से फोल्ड नहीं कर देना चाहिए जैसे ही तुमने पहन के उतारा है उसके बाद। सिल्क के कपड़े को लाइट से प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए, ये नहीं कि डायरेक्ट सनलाइट में एक्सपोज कर दिया या बहुत ज़्यादा लाइट पड़ रही है उसके ऊपर, उसको रैप करके रखना चाहिए एक बहुत ही साफ मसलिन क्लॉथ के अंदर। या वहाँ पे दो चीज़ों का नहीं दे रखा था, नायलॉन का और पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक्स का। नायलॉन को ज़्यादातर इंसेक्ट्स और माइक्रो ऑर्गेनिज्म अटैक नहीं करते हैं क्योंकि दे हैव अ रेजिस्टेंट टू देम, बट एंट्स, क्रिकेट, कॉकरोचेज वो कट कर सकते हैं उनका वे थ्रू द ट्रैप्स, फोल्ड एंड क्रीज। सेम है विद पॉलिएस्टर एंड एक्रेलिक, नॉट अटैक बाय इंसेक्ट्स अनलेस दे आर ट्रैप्ड, दैट इज़ कि इंसेक्ट्स जब तक ट्रैप नहीं हुए क्रीजेज एंड फोल्ड्स में, बीटल में कट देयर वे थ्रू। ओके,
सो इसके लिए तो हम एक ही चीज़ कर सकते हैं कि अच्छे से नायलॉन पॉलिएस्टर एक्रेलिक के कपड़ों को साफ़ करके अच्छे से धो के फिर ही अलमीरा में रखना और एकदम मतलब झाड़ के रखना, ताकि ये सारी चीज़ें उनमें फोल्ड और क्रीजेज में रह ना जाएं, कॉकरोचेज या एंट्स या व्हाटएवर इट इज़, नहीं तो वो कपड़े को ख़राब कर देंगे। वैसे तो इसे कोई इंसेक्ट अटैक नहीं करता है नायलॉन पॉलिएस्टर एक्रेलिक को। हैवी ज़री साड़ीज, इनमें कभी भी नैप्थलीन बॉल्स नहीं यूज़ होती हैं, क्योंकि उनसे नैप्थलीन बॉल्स से हैवी ज़री साड़ीज़ जो हैं वो ब्लैक हो सकती हैं। सो मेक श्योर नैप्थलीन बॉल्स कभी भी यूज़ नहीं करनी है हैवी ज़री साड़ीज़ में। ओके, इन्हें मसलिन क्लॉथ में अच्छे से ड्राई करके रैप करके रखना चाहिए, टिश्यू पेपर्स को इंसर्ट कर देना चाहिए साड़ी के बीच बीच में, ताकि उसमें क्रीजेज ना पड़े फोल्ड्स में स्पेशली, और ओकेजनली इन्हें एयर्ड करना चाहिए, रीफोल्ड करना चाहिए ऑपोजिट डायरेक्शन में। फिर है लेदर, लेदर गारमेंट्स को ऑयल से वाइप करना चाहिए टू प्रिवेंट ड्राइंग एंड क्रैकिंग, वैसे तो लेदर बैन है। एंड आई थिंक क्वेश्चन आंसर्स बहुत ईजी हैं, यू कैन डू इट योर सेल्फ, बट स्टिल फिर भी कोई प्रॉब्लम हो, डिफिकल्टी हो, यू कैन आस्क इन द कमेंट सेक्शन। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो।